सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि यार हैप्पी न्यू ईयर कब की हो चुकी थी, लेकिन मैंने ब्लॉग इस साल का भी स्टार्ट किया 2022 वाला। सो मैंने सोचा था जब स्नो पड़ेगी तब मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो साथ में हमारे निक्स ब्रो से हेलो ब्रो। हेलो। तो जैसे कि पता आप लोगों को, लॉकडाउन हो गया है, तो भाई वापिस आ रहा है बिलासपुर से, तो हम जा रहे हैं उसको पिक करने। साथ में मैंने सोचा ब्लॉग बना ही देती हूँ इस साल का। मेरे को ऐसे काफ़ी मैसेज आ रहे थे, कल मम्मा भी बोल रहे हैं तो दिखती नहीं यूट्यूब में आजकल। सो मैंने सोचा बना लेते हैं तो आपको स्नोफॉल का, आप लोग स्नोफॉल का इंजॉय लो। मैं पता नहीं क्या बोलती हूँ यार, बीच बीच में ना बोला ही नहीं जाता कभी कभी, भावनाओं में बह जाते हैं। चलो यार लो, व्यू का एंजॉय हम भी लेते हैं और आप भी लो। हौली 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 चल रही है, चलनी पड़नी है, ऐसे मशीन ही नहीं चले है। आगे आगे जिप्सी, पीछे पीछे हम। टूटी हुई है यार ये तारे। अभी फिसल भी सकते हैं हम, अभी पहुंच गए हम लक्कर बाजार, क्योंकि यहाँ पे यार धूप बहुत कम लगती है, इस कारण नीचे शान जमे, शान हमारे तो शान बोलते परे बीच पहुंच के मिलते हैं आपसे। बाकी आप देखो टूरिस्ट कितने आए हुए, इसमें बनता है वो मींस। हाँ, से चलना पड़ना पहाड़ियों के बर्फ के बीच रह के बचपन से हमारे को बर्फ में चलना है, तो लानत है हम पे। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, बर्फ़ का आनंद लेने में दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं। तो इस कारण कैसे भी ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हमने लगाए रखे हुए हैं, खोल नहीं सकते। और आपको आवाज़ बहुत आराम से आ रही होगी, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें इस मास्क की गलती है। तो यार देखो कितना ज़्यादा क्राउड है आज मॉल पर, हाय देखो दिखाती हूँ कितना क्राउड है। भीड़ देखो यार आप लोग, भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, बेसब्री से इंतजार था वैसे लोगों को, नहीं लेकिन करोना आ चुका है वापस, लेकिन करोना वापस आ चुका है अपनी फॉर्म में, है ना। मैं नहीं यार नीचे घुस सकती नहीं, यहाँ नीचे लगी है, मर भी सकते
इस साइड से आओ यार, यहाँ चलते डायरेक्ट नीचे। तो हम अभी जा रहे हैं वापिस मॉल से वापिस, क्योंकि यहाँ ठुलने के काम है ना, दिल्ली ठुलना मतलब क्या हुआ, गिरने के काम है यहाँ। देखो मुश्किल से जा रहे हम अभी। दांत टूटे गए अगर कोई गिरा नीचे शान पे। यार तो हमने जो है नितेश को पिक कर लिया है, ये आगे आगे जा रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे मौसम में कभी भी ट्रैवलिंग ना करे, क्योंकि ये तो गद्दा है। सुबह 7 बजे का निकला हुआ, अभी 4:30 बजे पहुँच रहा है शिमला में। मतलब जो 2 घंटे में पहुँचना था, 2-3 घंटे में, उसको इतने लग गए सुबह 7 से 4। बस से टैक्सी कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। बहुत सारे बैग है, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या है, क्या है ये देखो जी, 4x4। वाह, लगा ले फिर गियर 4x4 वाला। बहुत टाइम लगा हमारे को बस स्टैंड में, कैसे ठूले हम। ओह माय गॉड, 4x4 बर्फ के बीच नाच रहा है। यार ठंड जो है बहुत ही ज्यादा लग रही है, क्योंकि अब जो है सूरज डूब रहा है, बादल आ रहे हैं। हाय मम्मा तो बोल रहे थे गांव में अभी भी बर्फ हो रही है, मतलब गांव में जो है ना मौसम खराब है, और शिमला में साफ था। और हम सुबह से इतना गंदा बोल रहे, हमने सोचा था हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन सोच ही रहेगी। हम पैदल खुल गए, पहले तो बस स्टैंड में नितेश ही ना मिले, बैटरी लो हो गई थी निखिल भाई के फ़ोन की, और मेरे फ़ोन में मेरे को बैलेंस नहीं था, बैलेंस ख़त्म हुआ था, और नितेश के पास मेरा नंबर नहीं था। पता नहीं कैसे मिले, पता नहीं क्या ही हुआ, आज दिन भर ओल्ड बस स्टैंड ही ठुले, मतलब शिमला में रहने वाले शिमला में ही ठुल रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा था सुबह पता नहीं क्या। तो यार अब हम वापसी घर को जा रहे पैदल, तो ऐसे मौसम में ट्रैवलिंग ना ही करे तो बढ़िया है, नहीं तो पैदल ही रहेगी हमारी तरह। क्यों निक्स ब्रो, मैं कैसे मौसम में ट्रैवलिंग ना ही करे तो बढ़िया है। वो तो हमें थोड़े पहाड़ी हमारे को पता है, पैदल चल ही पड़ते हम। हाँ चलते यार, थक गए हम बहुत ज्यादा। तो यार मैं क्या कह रही थी, नीचे को तो थोड़ी कमी है ना बर्फ। हाँ सीमेंट भी डलवा दिया। क्या डलवा दिया मैंने? अरे वो 3G किया मैंने, बेवकूफ थी मैं भूल गई थी कल शाम को जब मैंने डाला था ना उसकी सिम। अरे मैंने BSNL की सिम डाली ना, मैंने उस टाइम 3G करा, क्योंकि मेरा BSNL का सिम 3G था। देखा मैं, आप चाहते थे मेरे को भी गाना। अच्छा मेरा BSNL का सिम 3G था ना, मैंने 3G करके रखा सेटिंग में, खुद डाल दिया उसके बाद जियो की सिम 4G का, और वो 4G नहीं किया, चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? सुबह गई ऊपर अपना पोपट बना सी भाई एक बार। तो मैं तो ये कह रही थी कि नीचे को तो ज़्यादा बर्फ़ होती नहीं है, पर फिर भी नहीं चल रही है टैक्सी गाड़ी, बस कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बढ़िया है, दिखा ली मैंने आपको स्नोफॉल मिनी सा ब्लॉग, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था मैं आज भी ब्लॉग बनाऊंगी रास्ते में। फिर व्यू गजब का दिखा मेरे को, मैं कर नहीं मैं बना देती हूँ, फिर जाके मैंने सोचा बना ही देती हूँ। यार धूप की रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना, तो एकदम वाइट दिख रहे हैं। दीदी की कॉल आ रही है, 1 मिनट में कॉल रिसीव करके फिर से कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग। तो मैं क्या कह रही थी, दीदी की कॉल आई थी, बोलती मैगी लेके आई हो मलका बनाए, क्योंकि मैं तो मलका खाती नहीं हूँ।
एक दिन मम्मी ने इतना गंदा मलका बनाया था ना, उसके बाद से मैंने मलका खाना ही छोड़ दी, मलके की दाल। तो मैगी ले जाऊंगी, फिर मैगी खाऊंगी, क्योंकि भूख भी लग चुकी है हमें, बहुत ज़्यादा ठुल चुके थे आज हम फालतू में। अरे जो नीतीश कहते को आज ही आना था, पता ही 11:30 था घनाटी में, और अभी 4:30 जाके पहुँचा इधर शिमला। चलो हर पर ही चलती हूँ, अब आपको मैं मिलती हूँ रूम पे, सीधा सीधा रूम पे, थक गए बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं परे को। लास्ट ईयर ना यार यहाँ पे मैं ये बोलना भूल गई, लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी थी, मतलब 1.5 फुट गिरी थी, आज इतनी इतनी जैसी गिरी, नीचे 1.5 फुट गिरी थी, तो ऊपर हम गए भी नहीं थे मॉल साइड लास्ट ईयर। तो ठीक है चलती मैं रूम भागती हूँ, अब क्या बोल रही हूँ मैं, फटाफट रूम भागती हूँ पहले। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कमरे में, है ना। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, खतरनाक यार। फिर उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मैगी खाती हूँ, उसके बाद फ्लैट सीधा। पहले व्यू दिखाती हूँ, तो यार आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय, छोटा सा ब्लॉग है, एंजॉय करो, बाय।